हाँ जी, वेलकम टू कैरियर क्वेस्ट। जिवें कि तुहानू हुण पता है कि आपां ने मैंसुरेशन तो बाद एक प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन स्टार्ट किया सीगा, प्लेलिस्ट पंजाब पुलिस की। ठीक है, उहदे विच आपां ने सब इंस्पैक्टर का पेपर कंप्लीटली डिस्कस कर लिया, जिहड़ा 16 अक्टूबर पिछले साल होया सीगा। पार्ट दो पार्ट विच हैगा, पार्ट वन पार्ट टू। अज आपां डिस्कस करन जा रहे हैं हैड कॉन्सटेबल का जिहड़ा पेपर होया सीगा, पंजाब पुलिस हैड कॉन्सटेबल। ठीक है, ये भी दो पार्ट विच डिस्कस हैगा, पार्ट वन पार्ट टू। 15-15 क्वेश्चन करके है। ठीक है, तो सीरीज़ वाइज क्वेश्चन चलेगी। ठीक है, तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाए क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आए हैं। सब इंस्पैक्टर नालों इस जो हैड कॉन्स्टेबल का पेपर हैगा, इसका लैवल काफ़ी अच्छा है। ठीक है, बजाय कि ए लैवल सी होना चाहिए सीगा सब इंस्पैक्टर का, तो सब इंस्पैक्टर जो पेपर आया सीगा वो लैवल होना चाहिए सीगा हैड कॉन्सटेबल का। इन्होंने पुट्ठा करता, हुण क्यों पुट्ठा करता, हुण इन्हां दी मर्जी होनी, एग्जामिनर ने पता नहीं क्या सोच के सैट किया होना, चलो कोई चक्कर नहीं। बट ये क्वेश्चन बहुत वधिया वधिया आए हैं। ठीक है, तो आई होप सो थोड़ा पूरी वीडियो देखना एंड तक, थोड़ा सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, यदि मैं परसनल गरंटी दिना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। टू ट्रेन स्टार्टेड एट अ सेम टाइम फ्रॉम ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। देखो, दो ट्रेन स्टार्ट हो रही है ए ते बी तो रिस्पेक्टिवली, एंड ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर एट स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आर एंड 50 किलोमीटर पर आर। मान लो दो पॉइंट ने ए, एक पॉइंट उरे हैगा बी। ठीक है, इतों ट्रेन वन स्टार्ट हुई है इस पासे, इतों ट्रेन टू स्टार्ट हुई है वो ए वल जा रही है। ट्रेन ए पॉइंट तो जी ट्रेन स्टार्ट हुई है बी वल जा रही है, बी पॉइंट तो जी ट्रेन स्टार्ट हुई है वो ए वल आ रही है। पहले की स्पीड कितनी है 75, इट मीनस टी वन आ वाली ट्रेन की स्पीड कितनी है 75 किलोमीटर पर आर। ठीक है, आ वाली ट्रेन की स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आर। क्लीयर, हुण देखो ज़्यादा स्पीड किसकी है, ट्रेन वन की, टी वन की स्पीड कितनी है 75, आवली ट्रेन जी है 75 की स्पीड से जा रही है, आवली ट्रेन 50 की स्पीड से जा रही है। तो मैं एक गल दसो, जो ए ते बी का जो डिस्टेंस हैगा, ए ते बी का जो डिस्टेंस हैगा, जो ये ट्रेन मिलनगियाँ कितने भी मिल जाए, मैं नहीं पता वो ट्रेन कितने मिल रही, उरे मिलेगी उरे मिलेगी, कितने भी मिलेगी, जो ट्रेन एक दूसरे को मिलेगी पहली बार, तो सब तो ज़्यादा डिस्टेंस किने कवर किया होना ए ने, टी वन ने ट्रैवल किया होना सब तो ज़्यादा डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा हैगी है, दो ट्रेना ने एक 75 की स्पीड से आ रही है, एक 50 की स्पीड से आ रही है। जो भी वो पॉइंट किसी भी पॉइंट पर मिलेंगे तो जी ट्रेन वन है उन्हें ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया होना, ट्रेन टू ने घट डिस्टेंस ट्रैवल किया होना। क्यों? क्योंकि ट्रेन वन की स्पीड ज़्यादा हैगी है ट्रेन टू नालों, ज़्यादा स्पीड तो डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर होएगा। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एट द टाइम दे मीट, जो वो मिलनगे द फास्टर ट्रेन, फास्टर ट्रेन कीड़ी है टी वन, हैज़ ट्रैवल 75 किलोमीटर मोर दैन द स्लोअर ट्रेन। जिहड़ी फास्टर ट्रेन हैगी है उसने किन्ने किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल किया है, 75 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल किया है दूजी ट्रेन नालों, स्लोअर ट्रेन नालों। तो आपने दसना की है, वट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन, दोनों स्टेशन ए ते बी का टोटल डिस्टेंस दसना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करन दा एक्स लेके मैं नहीं करवा रहा। ठीक है, जो तुम सपोज करोगे कि एक्स लेके करवाऊंगा मैं, वो भूल जाओ। जिमें कि मैंने प्रोमिस किया सीगा, पूरी प्लेलिस्ट देखना, वीडियो देखना एंड तक देखना, तुहानू सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, तो मैं एक्स लेके नहीं कर रहा। एक मैं एक गल दसना, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होंगे, स्पीड इनटू टाइम। मान लो दोनों ट्रेन कट्ठी स्टार्ट हुई ने ते मिलनगी भी कट्ठे, इसका मतलब जे पहली ट्रेन ने दो घंटे ट्रैवल किया होना तो दूजी ट्रेन ने भी दो घंटे ट्रैवल किया होना। जे मान लो ये ट्रेन तीन घंटे बाद मिल गई तो पहली ट्रेन ने तीन घंटे ट्रैवल किया, दूजी ट्रेन ने भी तीन घंटे ट्रैवल किया। मान लेंदे दोनों ट्रेन पाँच घंटे बाद मिल रही है तो पहली ट्रेन भी पाँच घंटे ट्रैवल करेगी, दूजी ट्रेन भी पाँच घंटे ट्रैवल करेगी। इसका मतलब की होया कि जिहड़ा मीटिंग टाइम हुंदा हैगा, जो भी वो मिलनगियाँ दोनों ने सेम टाइमली ट्रैवल किया होना। जे इसका टाइम टी होएगा, इसका भी टाइम टी होएगा। ठीक है, टाइम चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब टाइम की हैगा अपना कॉन्सटेंट हैगा। जो भी साडा टाइम कॉन्सटेंट हो उसनू छड्ड दो, डिस्टेंस का फॉर्मूला होंदा स्पीड इनटू टाइम। दोनों ट्रेन सेम टाइम पर मिलेंगियाँ, ठीक है, एट द टाइम दे मीट, सेम टाइम पर मिलेंगी। सेम टाइम का मतलब इन्हें दो घंटे ट्रैवल किया, उन्हें दो घंटे, तीन घंटे, तीन घंटे, मतलब दोनों लिए टाइम की हैगा सेम हैगा। तो टाइम सेम हैगा, जो भी टाइम सेम हुंदा उसनू कॉन्सटेंट मान लो, तो उसकी वैल्यू आप निगलैक्ट कर देंगे है। तो डिस्टेंस की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, स्पीड के। इसका मतलब की होया, वैन वैन एवर, उरे मैं लिख दिना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैन एवर टाइम इज सेम फॉर
फॉर ऑल, सारे वास्ते टाइम सेम होए तो की होएगा, रेशो ऑफ स्पीड, स्पीड दी रेशो किसदे इक्वल हो जाएगी, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, रेशो ऑफ डिस्टेंस, स्पीड दी रेशो किसदे इक्वल हो जाएगी, डिस्टेंस दी रेशो दे इक्वल, ठीक है, क्योंकि टाइम कॉन्सटेंट है उसनों मैंने साइड करता तो डिस्टेंस किसके इक्वल आ गया, स्पीड दे, मतलब जो स्पीड दी रेशो होएगी वही डिस्टेंस दी रेशो होएगी, क्लियर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुसी इवें समझ लो सकते हो कि ए दी स्पीड हैगी है 20 किलोमीटर पर आर, बी दी स्पीड हैगी है 30 किलोमीटर पर आर, एक घंटे विच ए किन्ना चलेगा 20 किलोमीटर, बी किन्ना चलेगा 30 किलोमीटर, एक घंटे विच ए 20 चलिया ए 30 चलिया, टाइम दोनों ने एक एक घंटा हैगा, स्पीड दी रेशो किन्नी हैगी है ए ते बी दी 20:30, 2:3, दोनों ने डिस्टेंस भी किन्ना ट्रैवल किया 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर, डिस्टेंस की भी रेशो किन्नी आएगी 2:3, ठीक है। तो टाइम जो सेम हो तो जिहड़ी स्पीड की रेशो होएगी वही किस चीज़ की होंगी है, डिस्टेंस की रेशो होंगी है, बस ये कंसैप्ट याद रखना, इंपॉर्टेंट गल हैगी है, बस करना कुछ नहीं है, हो गया अपना सो क्वेश्चन सॉल्व। मैंने एक गल दसो, ट्रेन वन ट्रेन टू स्पीड की रेशो किन्नी हैगी है, ट्रेन वन की स्पीड है 75, ट्रेन टू की स्पीड है 50, 75 ते 50 की रेशो कट लो तुसी, 25 दे टेबल ते चल जाएगा 3, उरे चल जाएगा 2, स्पीड दी रेशो किन्नी आ गई 3:2, जे स्पीड दी रेशो 3:2 आई है तो मैं एक गल दसो डिस्टेंस दी रेशो किन्नी आएगी, डिस्टेंस दी भी 3:2 आएगी, ये सुनो, ठीक है, स्पीड दी रेशो 3:2 तो डिस्टेंस दी भी किन्नी आएगी 3:2, मतलब ट्रेन वन ने किन्ना डिस्टेंस ट्रैवल किया 3 यूनिट, ट्रेन टू ने किन्ना डिस्टेंस ट्रैवल किया 2 यूनिट, तुसी एक्स मानना एक्स मान लो, यूनिट माननी है यूनिट मान लो, मैं यूनिट लेके करता मैं ज़्यादा सूटेबल लगता है, एक्स लेके करनी है 3x 2x मान लो, ट्रेन वन ने ट्रैवल किया 3 यूनिट, ट्रेन टू ने ट्रैवल किया 2 यूनिट, ट्रेन वन ने किन्ने यूनिट ज़्यादा ट्रैवल किया ट्रेन टू तो, इन्हें 3 यूनिट ट्रैवल किया, उरे 2 यूनिट ट्रैवल किया, किन्ना यूनिट ज़्यादा ट्रैवल किया 1 यूनिट, ट्रेन वन ने 1 यूनिट ज़्यादा ट्रैवल किया, उरे किन्ना डिस्टेंस ट्रैवल है, द फास्टर ट्रेन हैज़ ट्रैवल 75 किलोमीटर मोर, 75 किलोमीटर, यानी 1 यूनिट की वैल्यू किन्नी है 75 किलोमीटर, ट्रेन वन 1 यूनिट ज़्यादा ट्रैवल किया है, क्वेश्चन में 75 किलोमीटर ज़्यादा है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, इसने 3 यूनिट ट्रैवल किया, इसने 2 यूनिट, डिस्टेंस कितना है 5 यूनिट आ गया, 1 यूनिट की वैल्यू 75 किलोमीटर, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप 75 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे, विच इज़ 375 आ जाएगा, क्लियर, 375 किलोमीटर आ जाएगा अपना टोटल डिस्टेंस, क्लीयर। इन्नी की गल सी, जो भी टाइम सेम हो स्पीड की रेशो डिस्टेंस की रेशो के बराबर होएगी, स्पीड की रेशो 3:2 तो डिस्टेंस की भी 3:2, ठीक है, ट्रेन वन 3 यूनिट ट्रैवल करेगी, ट्रेन टू 2 यूनिट, ट्रेन वन ने 1 यूनिट ज़्यादा ट्रैवल किया, क्वेश्चन में 75 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल किया, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 75 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस 3 ते 2 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75 × 5 375 आ जाएगा अपना आंसर बी, दैट्स इट, ठीक है। इन्नी की गल सी, एक्स उक्स लेने की लोड़ ही नहीं, बस सिंपल तो सीगा ये, ठीक है। आई होप सो थोड़ा समझ आ गया होना, कोई नवी कुछ नवा पता लग गया होना, मेरा मेन मोटिव यही है कि थोड़ा कुछ नवा सीखने मिले। स्क्रीनशॉट ले लो, आप नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। सैकेंड क्वेश्चन की हैगा, एवरेज ऑफ 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 11 13 स्क्वायर, ठीक है, एवरेज का फॉर्मूला की होंगे, सम डिवाइडेड बाय 9। हूँ इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, करना ही पैना है थोड़ा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 11 का स्क्वायर 121, 13 का स्क्वायर 169, किन्ने नंबर ने टोटल 5, तो डिवाइड बाय 5 कर देंगे, ठीक है, इन्हों का एवरेज ही पता करना, सम बटा एन, सम 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का 49, 11 का 121, 13 का 169, ठीक है, ऐड कर लेंगे 9 9 18 18 23, 19 19 5 24 24 3 9 33 3, 3 2 5 5 4 9 9 2 11 11 और 6 17 7 1 2 3, 375/73/5 ये आ जाएगा 7, 35 जाएगा 23, 4 से जाएगा 74.6, ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। देखो हर क्वेश्चन से शॉर्ट ट्रिक नहीं अवेलेबल होंगी, कई क्वेश्चन से मजबूरी होंगी है करना पैंता, पूरे एग्जामिनर कोई होर वैल्यू चिपका देगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है, कि हाँ ये वैसे प्राइम नंबर ने 3 5 7 11 13 ये की है प्राइम,
ठीक है, तो कंटीन्यूअस प्राइम नंबर का अपने को एवरेज कटने का कोई शॉर्टकट नहीं है, इन्ना तो करना पैना, ठीक है, अरिथमैटिक कैलकुलेशन एंड नथिंग एल्स। स्क्रीनशॉट ले लो, आप नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं फिर। थर्ड क्वेश्चन की वधिया क्वेश्चन है, ए कैन फिनिश अ वर्क इन 24 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 2/3 द टाइम टेकन बाय ए। देखो ए किसी काम नू 24 दिनों विच करता है। अगेन प्रीवियस ईयर तुसी देख रहे हो, तो प्रीवियस ईयर देखने का मतलब की हैगा, मैं ये मान के चलता हैगा कि थानू बेसिक अंडरस्टैंडिंग हैगी हर एक चैप्टर की, ठीक है। जे थोड़े टाइम एंड वर्क नहीं किया तो पहले जाके टाइम एंड वर्क का चैप्टर करो, उस तो बाद आके ये प्लेलिस्ट देखो, ठीक है, क्योंकि जे चैप्टर ही नहीं हुए फिर प्रीवियस ईयर करने का कोई फायदा नहीं है। प्रीवियस ईयर तो करने का फायदा होंगे जो चैप्टर गो थ्रू होंगे या बेसिक सानू पता होंगे। ए 24 दिनों में काम करता, बी उसी काम को कितने दिनों में करता, सेम वर्क इन 2/3 द टाइम टेकन बाय ए। बी जो है वो 2/3 टाइम लेंदा है ए का, ए 24 दिन में करता तो ए 24 का 2/3 कर दो 16 दिन आ जाएगा, तो बी उसी काम को 16 दिन करेगा, ठीक है, तो मैं ये रब कर दिना, बी उसी काम को 16 दिन करेगा। तो हूँ मैनू पता है कि वर्क क्या होंगे, वर्क का फॉर्मूला क्या होंगे, एफिशेंसी इन टू टाइम। इतों एफिशेंसी का फॉर्मूला की आएगा, वर्क अपॉन टाइम। 24 तो 16 का एलसीएम लो, आप की करते हैं जो भी सानू टाइम दिता होंगे आप एलसीएम लेंगे, 24 तो 16 का एलसीएम की आ जाएगा, 24 तो 16 ये अपना आ जाएगा 72, नहीं 16 5 80 होंगे, ये आ जाएगा 8 × 3 48 आ जाएगा, उसनू आपा वर्क मान लांगे। मान लो वर्क कितना है 48 यूनिट, ठीक है, यूनिट मान लो कुछ भी मान लो, वर्क नू मैं टाइम नाल डिवाइड करा तो की आ जाएगी एफिशिएंसी। 48 नू 24 नाल डिवाइड करो, जे मैं 48 नू 24 नाल डिवाइड करूंगा किन्ना आएगा, 48 नू 24 नाल डिवाइड करने ते किन्ना आएगा 2, तो एफिशिएंसी ऑफ ए किन्नी आ गई, ए दी एफिशिएंसी आ गई 2। 48 नू 16 नाल डिवाइड करो, 48 नू 16 नाल डिवाइड करो कि आंसर आ जाएगा 3, तो बी दी एफिशिएंसी आ गई 3। पूछा की हैगा, ये जिहड़ी एफिशिएंसी होंदी है वह पर डे आती है, यानी एक दिन का काम करने की क्षमता, एक दिन काम करने की क्षमता पता लगती है एफिशिएंसी। इसका मतलब की होया कि ए जिहड़ा हैगा एक दिन विच 2 यूनिट काम करेगा, बी जिहड़ा हैगा वो एक दिन विच 3 यूनिट काम करेगा। क्वेश्चन विच क्या पूछा इन्होंने, व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क दे कैन फिनिश इन अ डे, एक दिन विच वो किन्ना काम खत्म करनगे। तो मैं एक गल दसो, ए दी एफिशिएंसी कितनी हैगी है 2, बी दी एफिशिएंसी कितनी हैगी है 3। इसका मतलब एक दिन विच इन वन डे ए एंड बी कैन डू, ए ते बी किन्ना काम करते हैं, ए एक दिन विच 2 यूनिट काम करता है, बी एक दिन विच 3 यूनिट काम करता है, तो दोनों मिलकर किन्ना करेंगे 3 × 2 = 5 यूनिट। एक दिन विच ए 5 यूनिट काम करते हैं, ये टोटल का किन्ना पार्ट हैगा, वट पार्ट पूछा ना, उरे पार्ट लिखा वट पार्ट, 5 यूनिट टोटल का किन्ना पार्ट हैगा, तो दोनों मिलकर काम करते 5, टोटल वर्क हैगा 48, तो किन्ना पार्ट होया 5/48, ऑप्शन बी। क्लीयर, इन्नी की गल सी, होर कोई ज़्यादा औखा नहीं सीगा, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप नेक्स्ट क्वेश्चन से मूव करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, बहुत वधिया क्वेश्चन है, नाल दी नाल आया है टाइम एंड वर्क का। ज्ञानेंद्र कैन डू अ सर्टेन जॉब इन 56 डेज, जिहड़ा ज्ञानेंद्र हैगा किसी काम नू 56 दिन च करता है, ठीक है, 56 डेज। मनोज इज 40% मोर एफिशेंट दैन ज्ञानेंद्र, देखो मनोज जिहड़ा हैगा वह 40% ज़्यादा एफिशेंट हैगा ज्ञानेंद्र तो, ठीक है। तो मैं एक गल दसना, देखो वर्क का फॉर्मूला होंगे एफिशिएंसी इन टू टाइम, एफिशिएंसी का फॉर्मूला की हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम। हुन देखो जो अपने पहला क्वेश्चन किया डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम, जो टाइम सेम हो डिस्टेंस की रेशो कि रेशो इक्वल हो जाती है, स्पीड की रेशो के बराबर होंगी है। हूँ इस केस में जो मेरा वर्क सेम होएगा तो एफिशिएंसी की हो जाएगी, वर्क नू तुसी सेम कर दो, वर्क सेम है का मतलब वर्क नू ना लो, तो एफिशिएंसी की होएगी टाइम दे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होएगी, एफिशिएंसी की हो जाएगी 1/T। जे वर्क सेम हैगा, जे टाइम सेम हुंदा तो आप उसनू निगलैक्ट कर देंगे, वर्क सेम हैगा तो वर्क नू निगलैक्ट कर दो, उपर 1 आ जाएगा,
एफिशिएंसी की होएगी, टाइम का उल्ट होएगी। ठीक है, जिवें मान लो कोई एक दिन एफिशिएंसी इवें मान लो ए ते बी दी एफिशिएंसी दी रेशो 2:3 हैगी है। ठीक है, इन दोनों विचों ज़्यादा एफिशेंट कौन है? बी। तो घट टाइम किसनू लगेगा? बी नू। एफिशिएंसी की घट है? ए दी। एनू ज़्यादा टाइम लगेगा। तो एफिशिएंसी दी रेशो जे 2:3 है तो टाइम दी रेशो आ जाएगी 3:2। ठीक है, एफिशिएंसी ते टाइम एक दूसरे के क्या होंगे ने? उल्ट। घट एफिशिएंसी ज़्यादा टाइम, एफिशिएंसी घट टाइम। ठीक है, जस्ट अपन ने रेशो स्वाइप करनी होंगी है, रेशो नू पलटा दो टाइम दी रेशो आ जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने की कहा कि जेड़ा मनोज हैगा वह 40% ज़्यादा एफिशेंट है किस तो? ज्ञानेंद्र तो। उरे ज्ञानेंद्र उरे मनोज लिख लो। जे ज्ञानेंद्र दी एफिशिएंसी मैं मान लिंदा 100% हैगा, ठीक है, तो मनोज दी एफिशिएंसी की होएगी? 40% ज़्यादा हैगी है, मनोज दी एफिशिएंसी कितनी होएगी? 140%। ठीक है, अपने जस्ट रेशो मान ली, तुसी 100 मान लो, 10 मान लो, कुछ भी मान लो, जे ज्ञानेंद्र दी एफिशिएंसी 100% होएगी, मनोज दी 140% होएगी, क्योंकि मनोज दी एफिशिएंसी 40% ज़्यादा हैगी है। एफिशिएंसी दी रेशो कट दो, हुण इत्थों रेशो कटो, बी दे टेबल ते कट जाएगा 5, बी दे टेबल ते कट जाएगा 7। तो एफिशिएंसी दी रेशो आ गई 5:7। तो मैं एक गल दसो, टाइम दी रेशो कितनी आ जाएगी? 7:5। यस और नो? टाइम दी रेशो आ गई 7:5। ज्ञानेंद्र नू कितना टाइम लगता है? 56 दिन। 7 दी वैल्यू 56 हैगी है। 1 दी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 56/7 8 आ जाएगी। 1 यूनिट दी वैल्यू 8 दिन आ गई। मनोज नू कितना टाइम लग रहा है? 5। मनोज टाइम दी रेशो कितनी? 7:5। ठीक है, तो 7 दी वैल्यू 56, उरे 56 दिन दे रखे क्वेश्चन में, तो 7 दी वैल्यू 56, 1 दी वैल्यू 8, 5 दी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40। तो मनोज नू कितना टाइम लगेगा? 40 दिन। मनोज नू कितना टाइम लगेगा? 40 डेज। ये सारी खिचड़ी आपने सिर्फ मनोज का टाइम कढ़ने नू लगाई हैगी। ठीक है, होर कोई तरीका नहीं मनोज का टाइम कढ़ने लई। एफिशिएंसी दी रेशो टाइम दा उल्ट हुंदी है। मनोज 40% ज़्यादा एफिशेंट सीगा, ज्ञानेंद्र दी 100% एफिशिएंसी होएगी, तो मनोज दी 140। एफिशिएंसी दी रेशो 5:7, टाइम दी 7:5 हो जाएगी। ज्ञानेंद्र दा टाइम 7 यूनिट, मनोज दा टाइम 5 यूनिट। 7 यूनिट दी वैल्यू उरे 56 दे रखी है, तो 7 दी वैल्यू 56 दिन, 1 दी वैल्यू आ जाएगी 56/7, 8 दिन। मनोज दी टाइम हैगी है 5 यूनिट। 1 दी वैल्यू जे 8 हैगी है, तो 5 दी वैल्यू उरे मैं लिख दिंदा, 5 दी वैल्यू, 1 दी वैल्यू 8, तो उरे 5 दी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8×5=40 आ जाएगा। ठीक है, कन्फ्यूज ना होना, उरे मैं छोटा जा लिखता 40 दिन, मनोज नू लगेंगे 40 दिन। इन हाउ मैनी डेज विल दे टूगैदर डू द सेम दिन सेम जॉब? किन्ने दिनों विच वो दोनों कट्ठा काम करनगे? इन हाउ मैनी डेज दे विल टूगैदर डू द सेम जॉब? अगेन फिर हूँ सारी चीज़ पहला वांगू ही हैगी है, ये बस इन्ना ताम इन्ना जिहड़ा हैगा आपने जो भी हैगा खर्चा पानी किया हैगा वो मनोज का टाइम कढ़ने लई किया। 56 ते 40 दी तुसी एलसीएम ले लो, 56 ते 40 दा एलसीएम आ जाएगा, यह आ जाएगा 14×4 आ जाएगा 280। ठीक है, 56 ते 40 दा एलसीएम आ जाएगा 280। इसनों आप मान लेंगे वर्क, 56 ते 40 का एलसीएम लोगे कितना आएगा? 280 आ जाएगा, मतलब अपना काम कितना आ गया? 280 यूनिट। ठीक है, 280 नू तुसी 56 नाल डिवाइड कर दो, ज्ञानेंद्र दी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? वर्क नू टाइम नाल डिवाइड कर दो, एफिशिएंसी आ जाएगी। 280/56 कितना आएगा? एफिशिएंसी ऑफ ज्ञानेंद्र आ जाएगा 5। पूरे वैसे भी गिवन सीगा ज्ञानेंद्र दी एफिशिएंसी 5 हैगी है। ठीक है, 280 नू 40 नाल डिवाइड कर दो, मनोज दी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 7। उरे वैसे भी गिवन सीगा 7 एफिशिएंसी हैगी है। ठीक है, वो तो कढ़िया तो भी आ गया, उरे आप रेशो मनी सी वो भी सेम हो गया। ठीक है, तो टाइम का फॉर्मूला हो जाता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। देखो दोनों ने कट्ठे काम करना है, इन हाउ मैनी डेज विल दे टूगैदर, दोनों ने कट्ठे काम करना है, वर्क है 280, दोनों की कट्ठे की एफिशिएंसी लवेंगे 5×7 280/12, 4 दे टेबल से कट जाएगा 70, 4 दे टेबल से जाएगा 3, 70/3, 70/3 कितना होएगा? 2/23 1/3, 23 1/3 ऑप्शन ए आ जाएगा। क्लीयर, इन्ना टाइम लगेगा दोनों काम करने।
क्लियर, होर कोई तरीका नहीं हैगा अपने को ले इस नू करन दा। ठीक है, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हैगी आपां नू क्वेश्चन नू किवें करना हैगा। क्वेश्चन जे समझ आ गया तो फिर ईजी है, कैलकुलेशन इन्नी तो नॉर्मल गल हैगी। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, आप नैक्सट क्वेश्चन पर चलते हैं फिर। अरविंद, हाँ बहुत वधिया क्वेश्चन है। अगेन देखो हैड कॉन्स्टेबल विच ना बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं, स्टार्टिंग दे जिहड़े 15 क्वेश्चन है ना, तुसीं जदों देखोगे ना तुहानूं फील आएगी कि हाँ यार हैड कॉन्स्टेबल दा पता नहीं की सोच के इन्होंने पेपर बनाया हैगा। ये पेपर सब इंस्पैक्टर लैवल का हैगा, ईवन कि उही लैवल होना चाहिए जिहड़ा सब इंस्पैक्टर तो बहुत लो लैवल का बनाया सीगा इन्होंने पेपर। तो देखो तीन बंदे ने अपने कोले, अरविंद, चाणुक्या एंड शिवा। मैं नाम दे दिंदा ए सी एस, पूरा पूरा नाम नहीं लिखते, अरविंद, चाणुक्या, शिवा। एंटर इन टू अ पार्टनरशिप एंड देयर शेयर आर इन रेशो 1/3, 1/6 एंड 1/8। देखो अरविंद, चाणुक्या, ए सी एच एस जेड़े है पार्टनरशिप में आए, उन्होंने कैपीटल कैपीटल या इवें कह लो शेयर जी इनवैसटमेंट है वो इस रेशो में हैगी है। सब तो पहले तो इसनों चंगी तरह कन्वर्ट करो, ये प्रॉपर रेशो नहीं हैगी है। 1/3 रेशो 1/6 1/8, इसनों जे मैं प्रॉपर ये फ्रैक्शन विच हैगा ना, ठीक है, इसनों न्यूमरेटर फॉर्म विच लिखना है, ये डिनोमिनेटर फ्रैक्शन फॉर्म च है 1/3 1/6 1/8, इसनों कली न्यूमरेटर वाली फॉर्म विच लिखना हैगा। तो आप किवें लिखांगे, तो इसनों लिखण लई आप की करांगे 3, 6, 8 का एलसीएम लवांगे। एलसीएम ऑफ 3, 6, 8 किन्ना आ जाएगा 24। ठीक है, तो थोनू इन्ना पता होना कि रेशो नू किसी चीज़ नाल मल्टीप्लाई करा तो कोई फर्क नहीं पैंदा। ठीक है, तो इधर भी तुसी 24 नाल मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 24 नाल मल्टीप्लाई कर दो, इतने भी 24 नाल मल्टीप्लाई कर दो। 3 दे टेबल ते कट जाएगा 8 तो उरे आएगा 8, 6 दे टेबल ते कट जाएगा 4 उरे आएगी 4, 8 दे टेबल ते कट जाएगा 3 उरे आएगा 3। तो अरविंद, चाणुक्या ते मनोज दी, मनोज नहीं शिवा, शिवा दी जिहड़ी कैपीटल हैगी है या इनवैसटमेंट कह लो वो इस रेशो विच हैगी है 8, 4, 3। जे अरविंद 8 रुपये लगाएगा, चाणुक्या 4 रुपये लगाएगा, शिवा 3 रुपये लगाएगा। जे ये 800 लगाएगा, ये 400 लगाएगा, ये 300 लगाएगा। इस रेशो विच इनवैसटमेंट हैगी, मैनू इस रेशो विच दित्ती सीगी, इसनू मैंने नॉर्मल फॉर्म विच कन्वर्ट करता। नॉर्मल फॉर्म विच कन्वर्ट करन लई आपां इन्हां तिन्नां दे डिनोमिनेटर विच जो भी नंबर होणगे उन्हां दे एलसीएम नाल मल्टीप्लाई कर दांगे, कटिंग हो जाएगी, सिंपल रेशो आ जाएगी। ये हैगी सिंपल रेशो। ठीक है, हुण अगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन्होंने इनवैसटमेंट की है आफ्टर 4 मंथ, 4 इस रेशो विच इनवैसटमेंट की है, ये हैगी कैपीटल। ठीक है, तो एक गल होर ध्यान देना, जिहड़ी कैपीटल हैगी है वह दो चीज़ों पर, देखो थोड़ी इनवैसटमेंट ना दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी। ठीक है, या फिर इवें कह लो सच प्रॉफिट, थोड़ा जो प्रॉफिट है वह दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इनवैसटमेंट नहीं प्रॉफिट, थोड़ा प्रॉफिट दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि तुसी किन्ना कैपीटल लगाया हैगा तो किन्ने समय लिए लगाया हैगा। जे मान लो तुम 10 लाख रुपये लगाया 1 साल लिए, तो दूजे बंदे ने लगाया 10 लाख 2 साल लिए, तो ज़्यादा प्रॉफिट किनू मिलेगा, दूजे बंदे ने, क्योंकि उसके जेडे 10 लाख हैं वो 2 साल लिए लगे हुए हैं, थोड़े 10 लाख 1 साल लिए लगे हुए हैं, तो प्रॉफिट ज़्यादा किसू मिलेगा, दूजे बंदे नू। क्लीयर, तो जो प्रॉफिट हैगा दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, प्रॉफिट जोड़ा है वह दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा, एक तो कैपीटल कि किन्नी इनवैसटमेंट हैगी, दूजा टाइम। तो प्रॉफिट का आ जाएगा इस केस विच पार्टनरशिप के चैप्टर विच, प्रॉफिट का मतलब की हो जाएगा कैपिटल इनटू टाइम, जिनी इनवैसटमेंट है उसनों टाइम मल्टीप्लाई कर दो, वो आ जाएगी थोड़ी टोटल प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट की रेशो कटनी है तो प्रॉफिट की रेशो आप कैपिटल इनटू टाइम करके कट देनी। ठीक है, तो यह फॉर्मूला थोड़ा पता होना चाहिए, क्लीयर, नोट कर लो नाल दी नाल, फॉर्मूला मैं रब करन जा रहा। ठीक है, इन्हां तिन्हां ने इस रेशो विच इनवैसटमेंट की हैगी है। क्वेश्चन ने की कहा, आफ्टर 4 मंथ अरविंद विदड्रॉ 1/4 ऑफ हिज कैपिटल। 4 महीने बाद अरविंद ने की किया, अपनी कैपिटल का 1/4 विदड्रॉ कर लिया, 1/4 ड्रॉ कर लिया। इसका मतलब की होएगा, ध्यान नाल समझना, 4 महीने बाद इसने 1/4 विदड्रॉ कर लिया। इसका मतलब जी अरविंद के जेडे 8 रुपये हैगे है, 8 मान लो, 8 तुसी एक्स मान लो, एक्स मनना एक्स मान लो, आप एक्स ही मान लेंगे। ठीक है, अरविंद ने 8x इन्वेस्ट किया, इसने 4x, इसने 3x। ठीक
ठीक है। 4 महीने बाद इसने 1/4 विदड्रॉ कर लिया, इसका मतलब जो अरविंद के 8x रुपए ने वो किन्ने मंथली लगेंगे, 4 मंथली। अरविंद के जोड़े 8x रुपए ने उसने 4 महीने बाद 1/4 कढ़वा लिया, मतलब 8x रुपए जोड़े है किन्ने महीने है 4 महीने लिए, ठीक है। उस तो बाद 1/4 उसने कढ़ लिया, 8x का 1/4, 8x का 1/4 किन्ना होएगा, 2x, 2x उन्हें की कढ़ लिया विदड्रॉ, अरविंद विदड्रॉ 1/4 ऑफ इज कैपिटल, 8 का 1/4 किन्ना होएगा 2, इसने 2x जोड़े है कढ़वा ले, 8x चो 2x तुसी कट ले तो किन्ने बचनगे 6x, एंड आफ्टर फरदर 8 मंथ अ प्रॉफिट ऑफ दिस इज डिवाइडेड अमंग दैम, ठीक है। 8 महीने बाद, 4 महीने बाद तो इसने 2x कट ले, रह किन्ने गए 6x, जिहड़ा 6x बचेगा देखो 4 महीने बाद इसने 1/4 कट लिया, तो 8x जोड़े है वो 4 महीने लिए लगेंगे, 1/4 होंगे 2x, इन्हें 2x ले तो किन्ने रुपए बच गए 6x, ये 6x किन्ने महीने लिए लगन गए 8 महीने लिए, तो 6x इंटू 8 आ जाएगा कैपिटल इंटू टाइम, जिन्ना कट लिया किन्ना कट लिया 2x कट लिया तो बच किन्ना गया कैपिटल 6x, 6x टाइम किन्ना 6x इंटू 8 कैपिटल इंटू टाइम, ये अरविंद की टोटल कैपिटल की इनवैसमेंट होएगी जिनी भी होएगी। चाणुक्य तो शिवा का सूँ कुछ नहीं कहा, इसका मतलब जोड़े चाणुक्य के 4x रुपए ने वो किन्ने महीने लिए लगन गए टोटल 12 महीने लिए, 4 महीने ए 8 महीने ए फरदर लिखवाया ना 4 फरदर 8 8+4 किन्ना होगा 12, तो चाणुक्य के पैसे किन्ने महीने लिए लगन गए 12 महीने लिए, शिवा के पैसे भी किन्ने महीने मंथली लगन गए 12 मंथली, ये होएगी इन्हों कैपिटल की रेशो, ठीक है। 8 4 32x जमा 8 6 48x 12 4 48x 12 3 36x, ठीक है। प्रॉफिट की रेशो क्या होंगी है, कैपिटल इंटू टाइम कैपिटल इंटू टाइम कैपिटल इंटू टाइम कैपिटल इंटू टाइम, ये जी है ये अपनी प्रॉफिट की ही रेशो चल रही हैगी है, ठीक है। तो उरे आ जाएगा 48 तो करोगे उरे 80x 48x 36x, ठीक है। इसनों मैं कटिंग कर दिंदा, 4 दे टेबल ते कट दो, 4 दे टेबल ते कटेगा ये 20x 12x 9x, ठीक है। ए होएगी अपनी रेशो ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट दी इसनों मैं ऊपर ले जाना, ए होएगी रेशो ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट दी रेशो मैं की दसी सी कैपिटल इनटू टाइम, 8x उसने 4 महीने लिए लगाए, उस तो बाद 1/4 उसने कट लिया, 2x कट लिया, 2x कट लिया तो 6x बच गया, वो 6x 8 महीने नहीं लगनगे, चाणुक्य तो शिवा का कुछ नहीं दसा सीगा, तो उसके पैसे उन्होंने पैसे 12 महीने लिए लगनगे। उस तो बाद इन्हों की रेशो कट ली तो उरे आ जाएगा 20x 12x 9x, ये होएगी प्रॉफिट की रेशो। उरे टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, टोटल प्रॉफिट हो गया अपना 20 जमा 12 32 32 जमा 9 41, 41x हो गया टोटल प्रॉफिट, यही प्रॉफिट होएगा तिना विच वंडिया गया हैगा, उरे कितना प्रॉफिट हैगा 41 82, 41x की वैल्यू 4182 आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4182/41, ये आ जाएगा अपने को 102 रुपया, ठीक है। 102 तो चल जाएगा, x की वैल्यू 102, आपने की दसना है वट इज़ द अरविंद शेयर इन द प्रॉफिट, अरविंद का शेयर कितना है 20x, तो 20x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 102 × 20, ये आ जाएगा 204 नाल पिछे लग जाएगा 0, 2040 ऑप्शन बी, क्लीयर होया, ठीक है। सिंपल जहा क्वेश्चन सीगा, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, बेसिक कंसैप्ट है प्रॉफिट की रेशो कैपिटल इंटू टाइम, ठीक है। कंडीशन लगाती कि 1/4 कढ़ लिया, प्रॉफिट की रेशो आ जाएगी 20 12 9, टोटल 41 हो गया, उरे प्रॉफिट 41 82 सीगा, 41x की वैल्यू 41 82, x की वैल्यू आ जाएगी 102, अरविंद प्रॉफिट पूछा सीगा 20x, तो 20 × 102 40 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन हैगी है बस इस दे विच, होर कुछ नहीं है, माड़ी जी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन इन्नी टफ भी नहीं हैगी है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, आप नैक्सट क्वेश्चन से चलते हैं। चलो 6th क्वेश्चन देखो, 6th क्वेश्चन भी वधिया हैगा, इफ एक्स इज द थर्ड प्रपोर्शन टू 24 एंड 36। देखो थर्ड प्रपोर्शन क्या होंगे रेशो विच ना,
रेशो एंड प्रपोर्शन विच ना प्रपोर्शन नूं आपां तीन कैटेगरी विच डिवाइड करते हैं, एक फोर्थ प्रपोर्शन, दूजा थर्ड प्रपोर्शन, तीजा मेन प्रपोर्शन। ठीक है, उरे थर्ड प्रपोर्शन की गल हो रही है तो एक फोर्थ प्रपोर्शन। देखो प्रपोर्शन पहला हुंदा की है, प्रपोर्शन का मतलब की हुंदा, ए रेशो बी की हैगा, उरे डबल डॉट आ जाएगा, उरे डबल डॉट, उरे चार डॉट, सी रेशो डी दे। ठीक है, ए बटा बी इसका मतलब होएगा ए बटा बी किस दे इक्वल हैगा सी बटा डी दे। प्रपोर्शन का मतलब की हैगा, ए दी जो रेशो बनेगी बी नाल उही रेशो बनेगी सी दी किस नाल डी नाल। ठीक है, तो प्रपोर्शन आप इवें लिखते हैं। तो जे मैं गल करा फोर्थ प्रपोर्शन की, तो फोर्थ प्रपोर्शन की जे मैं गल करा तो फॉर्मेट की बनता हैगा, ए बी सी डी, ए बटा बी सी बटा डी। ठीक है, फॉर्मेट इस तरीके का बनेगा। तो आप फाइंड करांगे, वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ डी, वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ डी, आप डी की वैल्यू पता करते हैं। तो जे मैं गल करा थर्ड प्रपोर्शन की, तो थोड़ा थर्ड प्रपोर्शन का ना फॉर्मेट पता होना चाहिए। थर्ड प्रपोर्शन फोर्थ प्रपोर्शन तो इवें हो गया, थर्ड प्रपोर्शन की फॉर्मेट किवें बनेगी। देखो थर्ड प्रपोर्शन आप सी की वैल्यू पता करते हैं, तो एक चीज़ दो बार रिपीट हो जाती है, इसका मतलब थर्ड प्रपोर्शन ना इवें फॉर्मेट बनेगा, ए रेशो बी डॉट डॉट बी रेशो सी। ठीक है, थर्ड प्रपोर्शन का मतलब सी की वैल्यू। ठीक है, बी जड़ा है वह दो बार आ जाता है, क्लीयर। तो यह फॉर्मेट बन जाती है, ए बटा बी ए रेशो बी डॉट डॉट बी रेशो सी। वी विल फाइंड, तो इसको आप इवें लिखते हैं, ए बटा बी इक्वल टू बी बटा सी। वी विल फाइंड ये आप पता करते हैं, वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ सी। हूँ आप इस सी की वैल्यू पता करते हैं। देखो फोर्थ प्रपोर्शन से थर्ड प्रपोर्शन सिमिलर ही है, इस केस में आप लिखते इवें ने, तो डी की वैल्यू पता करते हैं। इस केस के आप इवें लिखते हैं, सी की वैल्यू पता करते हैं। सी मतलब वो इस पोजिशन से, फोर्थ प्रपोर्शन मतलब वह भी यही पोजिशन है, पोजिशन सेम रहेगी, बस जो थर्ड प्रपोर्शन क्या होंगे बी दो बार रिपीट हो जाता, डी की जगह पर सी आ जाता है, दैट्स इट। ठीक है, तो यह चीज़ हैगी है प्रपोर्शन की। तो थोड़ा आई होप सो पता लग्या होना फोर्थ प्रपोर्शन से थर्ड प्रपोर्शन की हैगा। एक्स क्वेश्चन की है, एक्स इज द थर्ड प्रपोर्शनल टू 24 एंड 36। एक्स जो है 24 से 36 का थर्ड प्रपोर्शनल है। ठीक है, तो देखो थर्ड प्रपोर्शन 24 से 36 का, थर्ड प्रपोर्शन ऑफ थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 24 एंड 36। इसका मतलब की होया, देखो थर्ड प्रपोर्शन का मतलब की होंगे, ए रेशो बी डॉट 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 बी रेशो सी। इसका मतलब ए बटा बी किस दे इक्वल होएगा, बी बटा सी दे। ए दी वैल्यू 24 हैगी है, बी दी वैल्यू 36 हैगी है, इंप्लाइज ए दी वैल्यू 24, बी दी वैल्यू 36 बटा एक्स। थर्ड प्रपोर्शन की हैगा इसका एक्स, तो सी आ गया अपने को ले एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी अपने को ले 36 × 36 बटा 24। 12 दे टेबल से कट जाएगा 2, ये जाएगा 3, 2 दे टेबल से जाएगा 18, 18 × 54। तो एक्स की वैल्यू आ गई 54। एक्स जो है थर्ड प्रपोर्शन से 24 से 36 का, तो 24 से 36 का थर्ड प्रपोर्शन की होगा, 24 × 36 = 36 बटा एक्स होएगा, क्लीयर। फोर्थ प्रपोर्शन तो दूजा की हैगा, वाई इज़ द फोर्थ प्रपोर्शन टू 9, 24 एंड 21। वाई जोड़ा हैगा वो फोर्थ प्रपोर्शन हैगा 9, 24, 21 का। ठीक है, तो उरे आप वाई की वैल्यू पता करते हैं, फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ 9, 24 एंड 21। फोर्थ प्रपोर्शन किवें लिखते हैं आप, ए बी सी डी, ए बटा बी इक्वल टू सी बटा डी। फोर्थ प्रपोर्शन की हैगा वाई, देखो ए दी वैल्यू 9, बी दी वैल्यू 24, सी दी वैल्यू 21, डी दी वैल्यू वाई। तो वाई दी वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, वाई दी वैल्यू आ जाएगी 21 × 24 / 9। 3 दे टेबल से कट जाएगा 7, 3, 3 दे टेबल से जाएगा ए 8, 8 × 7 = 56। तो वाई दी वैल्यू आ गई अपने को 50
6 x दी वैल्यू 54 y दी वैल्यू 56 3x जमा 2y उरे मैं सॉल्व कर देना 3x जमा 2y कितना आएगा तो 3x दी वैल्यू हैगी 54 y दी वैल्यू 56 54 नु 3 नाल मल्टीप्लाई करो ए आएगा 162 56 नु 2 नाल मल्टीप्लाई कर दो ए आएगा 112 ए बन जाएगा 274 274 ऑप्शन सी क्लियर तो ये बेसिक नॉलेज सी आई होप सो थानू पता होना जे थानू नहीं पता तो अज पता लग गया कि थर्ड प्रोपोर्शन नू आपा किवें लिखते हैं तो फोर्थ प्रोपोर्शन नू आपा किवें लिखते हैं ठीक है स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप नैक्सट क्वेश्चन पर चलते हैं फिर सैवंथ क्वेश्चन अ शॉपकीपर परचेज 60 kg ऑफ टोमैटोज 4 rupees 840 एक शॉपकीपर ने 60 kg टमाटर लेते 840 rupees के एंड सोल्ड द होल लॉट एट रेट ऑफ 15 rupees किलो वट विल बी हिज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट देखो सीपी कितनी है सीपी ऑफ 60 kg टोमैटो टोमैटोज जोमैटोज कितनी हैगी है 840 60 किलो टमाटर लेकर इन्ने टमाटर तक करेगा कि ये कोई जो मर्जी करे बर्गर की दुकान होनी है ठीक है कोई चक्कर नहीं 840 rupees का लेके आ गया सीपी हैगी 840 देखो बेचे किन्ने रेट नाल 15 rupees किलो नाल ठीक है मान के चलो कि आप मैं सब्जी वाला हैगा रेड़ी वाला ठीक है मैं 840 rupees दे रेड़ी वाला कोट पेंट से ना ठीक है 840 दे 60 किलो टमाटर लेके आ गया मैं 15 rupees किलो के हिसाब नाल बेच रहा किन्ने टमाटर बेचूंगा 60 किलो 1 किलो टमाटर एस पी ऑफ 1 किलो टमाटर किन्ना हैगा 15 rupees एस पी ऑफ 60 किलो टमाटर का किन्ना आ जाएगा 60 किलो टमाटर का एस पी किन्नी आ जाएगी 15 × 60 900 rupees आया ना तो उरे आ जाएगी अपने को एस पी ऑफ 60 kg टोमैटोज किन्नी आएगी ₹900 फायदा होएगा घाटा होएगा ऑब्वियस जी गल है बच्चा भी देख के दस देगा यार उरे 60 rupees का प्रॉफिट हो रहा प्रॉफिट परसेंट की होंगे प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100 तो प्रॉफिट कितना है 60 rupees का सीपी कितनी है 840 गुना 100 जीरो ना जीरो कट देगा ठीक है 6 दे टेबल ते जाएगा 14 ये जाएगा 100/14 देखो 100/14 ना तुसी याद कर लो कितना होंगे 71/7% ठीक है 71/7 ऑप्शन ए ठीक है दो दे टेबल ते कट दो 50 उरे 7 50/7 कितना होगा 7 × 1/7 होएगा ठीक है तो कोई वड्डी गल नहीं सी ये क्वेश्चन हाँ हुण तक थोड़ा डिसेंट लैवल का क्वेश्चन सीगा ठीक है जिन्हें भी क्वेश्चन आपां डिस्कस किए ने सारे वधिया वधिया लैवल के क्वेश्चन है ये थोड़ा ईजी लैवल का आप कह सकते हैं कि हाँ नॉर्मल कैंडीडेट ट्राई कर सकता चलिए अगे बाय सैलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹23,125 23,125 का आपने एक आर्टिकल सैल किया है अ शॉपकीपर सफर अ लॉस ऑफ 7.5% देखो किसी आर्टिकल 23,125 rupees का बेचा मैं 7.5% का की होया लॉस होया एट वट प्राइस शुड ही सैल टू गेन 9% किन्ने प्राइस से मैं बेचा कि मैं 9% का की हो जाए प्रॉफिट हो जाए ठीक है देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का ठीक प्रॉफिट एंड लॉस ना तुसी एक इवें समझो जिहड़ी सीपी हुंदी है वह हमेशा हुंदी है 100% कॉस्ट प्राइस ना हमेशा 100% होएगी ठीक है ना 1% ज़्यादा ना 1% घट हमेशा 100% ठीक है क्लीयर जे सौ जे मैनू किसी चीज़ को मान लो ये पेन हैगा ठीक है ये मैं खरीद के लेके आया ठीक है इस तो बाद मैं इसनों बेचांगा जे मैंने इस पेन नू 10% प्रॉफिट ते बेचना हैगा तो किन्ने परसेंट ते बेचूंगा 110% ते जे प्रॉफिट हैगा 10% तो एस पी आ जाएगी 110% जे प्रॉफिट हैगा 15% एस पी हो जाएगी 115% जे प्रॉफिट मैंने कमाना हैगा 20% तो एस पी हो जाएगी 120% जे प्रॉफिट मैंने कमाना होगा 8% तो एस पी हो जाएगी 108% मतलब जे प्रॉफिट हैगा तो एस पी की हो जाएगा 100 भी चुनना ऐड कर देना वो अपना प्रॉफिट एस पी आ जाएगा जे मान लो इसनों मैंने 10% लॉस से बेचना है तो एस पी कितनी हो जाएगी 100 - 10 कर देंगे 90% से बेचूंगा जे मान लो इसनों मैंने 15% लॉस से बेचना है तो 100 - 15 एस पी कितनी हो जाएगी 85% हो जाएगी परसेंटेज में दसना होंगे ठीक है जे मान लो इसनों मैं 5% लॉस से बेचना है तो 95% का बेचूंगा ठीक है तो इन्नी की गल पता होनी चाहिए
मैंने सेल किन्ने च दा किता 23,125 दा, मैनू की होया लॉस किन्ना 7.5%। मैनू एक गल दसो, सीपी 100% है, लॉस जेड़ा हैगा 7.5% है, तो एस पी किन्ना हो जाएगा? ये आएगा अपना 92.5%। यस और नो? यस। एस पी हैगा 92.5%, उरे किन्ना हैगा 23,125, यानी 92.5% की वैल्यू किन्नी दित्ती हुई है? 23,125। ठीक है, मैं इसनों किन्ने दा वेचा कि मैनू की होए गेन हो जाए किन्ने दा? 9% दा, 9% दा मैनू गेन चाहिए हैगा। अगेन देखो, सीपी तो 100% रहेगी, इसने चेंज नहीं होना, दुनिया चेंज हो जाएगी, बाबू सोना चेंज हो जाएगा, बट सीपी चेंज नहीं होएगा। ठीक है, सीपी 100% है, प्रॉफिट किन्ना हैगा 9% दा, तो एस पी किन्नी आ जाएगी? 109%। तो मोटा मोटा तुसी इवें समझो कि 92.5% की वैल्यू हैगी 23,125, तुसी 109% की वैल्यू कढ़नी हैगी। ठीक है, तो 92.5% की वैल्यू 23,125 है, 1% की वैल्यू आ जाएगी 23,125 बटा 92.5, ये 1% की हैगी है। 109% लिए आप की करांगे 23,125 बटा 92.5 नू 109 नाल गुणा कर देंगे। हुण इसनू जदों आपां सॉल्व करांगे, ठीक है, सॉल्व करांगे इवें करांगे, देखो 23125 इंटू 109, पूरे 92.5 है, पॉइंट तो बाद एक डिजिट है, तो उपर 10 आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगी, नीचे किन्ना आएगा 925। इसनू सॉल्व करोगे थोड़ा आंसर आ जाएगा, बट हुण आपां इसनू सॉल्व करांगे। थानू लगता मैं सॉल्व करूँगा? मैं तो नहीं करूँगा, मैं करूँगा नहीं करूँगा, एक सेकेंड, हाँ मैं सॉल्व नहीं करूँगा, मैं की करूँगा? देखो इसनों सॉल्व क्यों करिए, ठीक है, कैलकुलेशन से कटिंग वगैरह करोगे आंसर आ जाएगा। बेसिक मैथड की हैगा, न्यूमरेटर से देखो, नीचे वाला तो कट जाएगा क्योंकि आंसर अपना पूरा पूरा आ रहा, पॉइंटा विच नहीं आ रहा, नीचे वाला तो पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा कि जो भी कटेगा 109 मल्टीप्लाई होएगा। ठीक है, एवली जिहड़ा 925 है वह 23,125 कट देगा। ठीक है, कट करन तो बाद 109 नाल मल्टीप्लाई होएगा, तो 10 नाल भी मल्टीप्लाई होएगा। इसका मतलब जो भी मेरा आंसर होएगा वह किदा मल्टीपल होएगा? देखो 109 नाल मल्टीप्लाई हो रहा, इसका मतलब जो भी मेरा आंसर होएगा वो जेड़ा भी आंसर होएगा मल्टीपल ऑफ 109 होएगा, 109 दा मल्टीपल होएगा। हुण तुसी ये चेक कर लो 109 दे टेबल ते इना विचों केड़ा नंबर जाएगा, केड़ा नंबर जाएगा? देखो 265, 265 कदे भी 109 ते नहीं जांदा, डिवाइड करके देखोगे ना, देखो 265 पिछे तो 20 ने कानू कट करना, ठीक है, इनू दो ते कट्टो 218 होएगा, 218 उरे जाएगा 45-47, ठीक है, नहीं जाएगा अगे। ठीक है, तो बी आंसर हो नहीं सकता, ऑप्शन ए तो स्टार्ट कर देने आप 27-25, क्या ये 109 ते जाएगा? दो ते कटता 118, ठीक है, 18 × 54 = 54, हाँ 5 ते कट देगा, 109 नू 5 नाल मल्टीप्लाई करो, देखो 100 नू 5 नाल करो 500, 9 नू 5 नाल करो 545, ओह माय गॉड, ये तो चला गया, कट गया, मतलब ऑप्शन ए ही साडा आंसर हैगा। तुसी चेक करना, सी नहीं आएगा तो ऑप्शन डी भी नहीं आएगा, नहीं यकीन तो तुसी सी नू चेक कर लेंगे, 2675, 109, दो ते जाएगा 218, उरे 218 लिखना है, ठीक है, उरे जाएगा 17 to 8 गए 9, 5 to 1 गए 4, 495, अगे कटिंग नहीं होएगी। ठीक है, तो सी तो होएगा नहीं, 2775, 2775, 109 ते कर लो, दो ते जाएगा 218, 17 to 8 गए 9, 6 to 1 गए 5, 595, ये कटिंग होएगी नहीं, तो डी बी ऑप्शन नहीं होएगा। ठीक है, मैंने जस्ट इन्ना चेक किया कि 109 का मल्टीपल केड़ा हैगा, पहला ही ऑप्शन निकलिया 109 का मल्टीपल, बाकी तो है नहीं, जो थोड़ा नहीं यकीन तो कटिंग करके देख लो, थोड़ा भी ऑप्शन यही आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो थोड़ा एक ट्रिक या छोटा जा कॉमन सेंस कह लो, इसको ट्रिक तो नहीं कहेंगे, एक कॉमन सेंस वाली गल हैगी है। ठीक है, वो थोड़ा पता लगी होनी, स्क्रीनशॉट ले लो, अपना नैक्सट क्वेश्चन से मूव कर देने। फिर इफ एक्स इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 53101 एंड 193, सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर। एक्स जिहड़ा हैगा वह ग्रेटेस्ट नंबर हैगा, वड्डे तो वड्डा नंबर हैगा, जिसनों मैं एक सैकेंड
53 101 ते 193 इन्हां नूं मैं किसी एक वड्डे तो वड्डे नंबर नाल डिवाइड करा तां जो मैनूं की मिल जाए सेम रिमाइंडर एक्स इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड एक्स एक वड्डे तो वड्डा नंबर हैगा जिहड़ा 53 101 193 नूं डिवाइड करन तो बाद की लीव करेगा सेम रिमाइंडर रिमाइंडर सेम होना चाहिए एक ऐसा नंबर जिसनों तुसी 53 101 193 नाल डिवाइड करो इन्हों डिवाइड करोगे उस नंबर नाल तो रिमाइंडर सेम मिलना चाहिए है उसनों आपने की कहा एक्स उस तो बाद की कहा वाई इज़ द लीस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5, 6, 4, and 3 वाई एक लीस्ट नंबर हैगा जिहड़ा 5, 6, 4, 3 नाल डिवाइड होंदा है ठीक है उसनों आपने कहता वाई तो आपने वाई प्लस 3x बाय एक्स की वैल्यू कढ़नी है क्वेश्चन बहुत वधिया हैगा करना किवें हैगा सब तो पहला एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है कि एक्स वड्डे तो वड्डा केड़ा नंबर होएगा जिसनों आप इन्हों डिवाइड करिए जिस नाल ता सेम रिमाइंडर मिले हर एक केस च तो आप इसनों करन दा तरीका की हैगा इस क्वेश्चन करन दा इकलौता मैथड हैगा तुसी ना डिफरेंस लो 53 ते 101 दा डिफरेंस किन्ना आएगा आप 53, 47, 48 48 आ जाएगा ठीक है 53 ते 101 का डिफरेंस कितना आएगा 48 हाँ इन्ना ही आएगा ना हाँ 101 ते 193 का डिफरेंस कितना आएगा इसका डिफरेंस आएगा 2, 9, 92 यही आएगा हाँ मैथ काफ़ी स्लो हो गया 92 48 ते 92 का डिफरेंस ठीक है हूँ आपने डिफरेंस ले लिया आपने की लेना हैगा मिनिमम डिफरेंस आपने मिनिमम डिफरेंस लेना है अपने मिनिमम डिफरेंस लेना है तो मैं एक गल दसो एक्स की वैल्यू कढ़ने का होर कोई रस्ता नहीं है इकलौता रस्ता है अपने मिनिमम डिफरेंस लेना 53 ते 101 का डिफरेंस 48 101 ते 193 का डिफरेंस 92 आ गया मिनिमम डिफरेंस इन विचों केड़ा होएगा तो तुम कहोगे सर 48 मैं कहूँगा नहीं राजे 48 मिनिमम डिफरेंस नहीं है ठीक है मिनिमम डिफरेंस की है 48 ते 92 का 44 मिनिमम का मतलब मिनिमम जे डिफरेंस का भी डिफरेंस लेना पे तो वह भी लो बट डिफरेंस जोड़ा है मिनीम होना चाहिए ठीक है तो 44 आ गया मतलब 44 वो नंबर हो सकता है 53 44 न डिवाइड करो 101 44 न डिवाइड करो तो 193 44 न डिवाइड करो जो तुम डिवाइड करोगे ना तो रिमाइंडर ना हर एक केस में अलग अलग आएगा सेम नहीं आएगा आपू की चाहिए सेम रिमाइंडर हूँ उरे तो रिमाइंडर अलग अलग आ रहा है फिर आप करांगे जो रिमाइंडर अलग अलग आ जाए तो तुम करना कुछ नहीं है फटाफट की करोगे 44 तोड़ लो जो 44 दे आप टोटे टोटे करांगे तो यह 11 × 4 आ जाएगा ठीक है 53 हूँ तुम जो एक्स की वैल्यू 11 होएगी या 4 होगी क्योंकि देखो डिफरेंस मिनीम होएगा मिनीम कट लिया फिर आपने 44 चैक किया कि 53 डिवाइड करते 101 डिवाइड करते 193 डिवाइड करते सेम रिमाइंडर मिलता या नहीं नहीं मिल रहा अपने 44 के फैक्टर बना ले 11 × 4 53 11 नाल डिवाइड करो रिमाइंडर थानू 9 मिलेगा 101 11 नाल डिवाइड करो रिमाइंडर 2 मिलेगा 193 11 नाल डिवाइड करो रिमाइंडर कुछ और मिलेगा रिमाइंडर अलग अलग मिल रहा है हजे भी सेम रिमाइंडर ही मिल रहा इसका मतलब की होएगा कि 11 अपना वो नंबर नहीं है अपना वो नंबर केड़ा है 4 एक्स की वैल्यू आएगी 4 तुसी 53 4 नाल डिवाइड करो रिमाइंडर मिलेगा 1 क्योंकि 52 4 नाल डिवाइड हो जाता है 101 4 नाल डिवाइड करो रिमाइंडर मिलेगा 1 193 4 नाल डिवाइड करो रिमाइंडर फिर मिलेगा 1 तिना केस विच रिमाइंडर की हैगा सेम हैगा इन ईच केस तीनों केस विच रिमाइंडर सेम मिल रहा हैगा तो एक्स की वैल्यू आ गई अपने कोले 4 होर कोई तरीका नहीं हैगा एक्स की वैल्यू पता करना इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट नू सॉल्व करन लई आपां मिनिमम डिफरेंस लेंदे ने अपना आंसर मिनिमम डिफरेंस हो सकता हैगा बट जे नहीं होया तो तुसीं मिनिमम डिफरेंस दे फैक्टर बना लेना उन्हां फैक्टर विचों कोई एक साडा आंसर होएगा तो 11 सैटिस्फाइड नहीं कर रहा सीगा बच्चा 4 ने सैटिस्फाइड कर लिया एक करेगा ही करेगा ठीक है तो एक्स की वैल्यू आ गई 4 हुण इन्हां ने की कहा कि वाई इज़ द लीस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5, 6, 4, and 3 5, 6, 4, 3 वाई एक ऐसा नंबर है जिहड़ा इन्हां नाल की हो रहा डिवाइड हो रहा इनडायरैक्टली की पूछ रहा एलसीएम ऑफ 5, 6, 4, and 3 5, 6, 4, 3 का एलसीएम कितना होता 60 तो वाई की वैल्यू आ गई
60 पता की करना है, वाई जमा 3x बटा एक्स, तो ये आ जाएगा 60 प्लस 3 गुना 4 बटा 4, 4 तीए 12, 60 प्लस 12 कितना आएगा 72, 72 नू 4 नाल डिवाइड कर दो 18, अपना आंसर की आएगा 18 था। क्लियर, काफ़ी वधिया क्वेश्चन सीगा ये, पूरे पंजाब पुलिस का होनी जिहड़ा पिछले साल पेपर हो सीगा उस दे विच सब तो बेस्ट क्वेश्चन मैं इसनों मानता है, क्योंकि जे ये लॉजिक नहीं पता तो तुसी नहीं कर सकते अटैम्प्ट। क्लीयर, सब तो बेस्ट क्वेश्चन मैं इसनों मानता कंसीडर करदा। क्लीयर, स्क्रीनशॉट ले लो, आप नैक्सट क्वेश्चन से चलते हैं, कंसैप्ट याद रखना ठीक है, कमेंट सैक्शन से थैंक यू जरूर बोल देना। हाँ चलो, बहुत वधिया क्वेश्चन है ना, बहुत बहुत वधिया, बहुत गंदा क्वेश्चन है, एक उरे 16.9 ही है, 16 169 है ठीक है, टाइपिंग एरर है, उरे 169 है का। देखो रूट ऑफ 169, रूट 43 प्लस रूट 23 प्लस रूट 169। देखो 169 का रूट कितना होता है 13, क्योंकि 169 क्या होता है 13 का स्क्वायर, जो 13 का स्क्वायर हैगा तो उसका रूट की होएगा 13 ही होएगा, उरे मैं 13 लिखता, 23 जमा 13 कितना होएगा 36, 23 नू 13 विच ऐड करो 36, तो उरे क्या मैं 36 लिख सकता, यस और नो, यस 36 लिख सकता, आई कैन राइट इट डाउन 36, 36 का रूट कितना होएगा 6, तो क्या मैं इसकी जगह 6 लिख सकता, यस लिख सकते हैं, इसकी जगह आपने 6 लिखता। 43 प्लस 6 कितना होएगा 49, 49 का रूट कितना होएगा 7, सी क्लियर ठीक, इजी क्वेश्चन है, बस वैल्यू पुट करनी है, रूट की नॉलेज होनी चाहिए और क्या। स्क्रीनशॉट ले लो, अपन नेक्स्ट स्क्रीनशॉट क्या ही लेना, नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर, देखो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, छोटे तो वड्डा, असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि छोटे तो वड्डा, वड्डा वड्डा ठीक है, मात्रा मुत्रा इधर हिल गई होनी तो माफ करना ठीक है, छोटे तो वड्डा, स्मॉलर टू लार्जर, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट ठीक है, लेस टू मोर ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर इवें का होएगा, सॉरी पुट्ठा लिखता, छोटे तो वड्डा। क्लीयर, तो सब तो छोटा केड़ा हैगा ये देख लेंगे, असेंडिंग ऑर्डर भी अरेंज करना ना, सब तो छोटा फिर उस तो वड्डा, उस तो वड्डा, उस तो वड्डा, वड्डा वड्डा, तो अगेन टेबल दी नॉलेज होनी चाहिए है, बेसिक नॉलेज और कुछ नहीं। 3/5 कितना होएगा 0.6, 6/9 कितना होता है, देखो 6/9 एग्जामिनर थोड़ा पोपट बना रहा है, ये 6/9 नहीं है, ये 2/3 है, 3 के टेबल से कट दो, 2/3 कितना होता है 0.66 ठीक है, 4/7 कितना होएगा 0.642, 5 ते जाएगा, 7/8 कितना होएगा 70, 8 64 0.8, 5/7 कितना होएगा 0.7, तो हूँ हिसाब ला लो सब तो छोटा केड़ा हैगा 3/5 ठीक है, एक सेकेंड असेंडिंग ऑर्डर सब तो ना सब तो छोटा केड़ा 4/7 ठीक है, 4/7 तो सब तो पहला आएगा 4/7, उस तो वड्डा केड़ा हैगा 3/5, उस तो वड्डा केड़ा हैगा 6/9, बन रहा 3/5 6/9 ठीक है, ऑप्शन ए 5/7 आ जाएगा, सब तो वड्डा 7/8 क्लीयर ठीक है। तो ईजी क्वेश्चन सीगा, इहदे विच कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह लगाने की लोड़ नहीं हैगी, इन्हां क्वेश्चन की एक वैसे शॉर्ट ट्रिक होंदी है, वह मैं बाद च डिस्कस कर लाँगा, आप शॉर्ट्स जो बनावे ना एक एक मिनट की, तो वो पता क्या शॉर्ट्स में पता क्या फायदा होंगे, एक एक मिनट की वीडियो तुम देखोगे थोड़ा एंटरटेनमेंट भी फील होएगी तो नॉलेज भी मिल जाएगी, तो करके मैं हजे डिटेल में नहीं दस रहा, जो शॉर्ट्स बनावे तो उसमें देख लेना, आप शॉर्ट ट्रिक भी दस देंगे इसका ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन से चलते हैं, ये कुछ खास नहीं, 12th क्वेश्चन की है, इफ 1 + 47/529 इज इक्वल टू एक्स बाय 23 एंड 1 - 33/289 इक्वल टू वाई बाय 17, दैन वट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई ओके ठीक है। तुम कुछ ना करो, करना की हैगा अपने, एक सैकेंड कुछ नहीं करना ना अपने, देखो एलसीएम ले लो, उरे 529 आ जाएगा प्लस 47 529 उरे आ जाएगा रूट
ए किसका इक्वल है एक्स बटा तेई दे, ठीक है। 529 तुम संताली ऐड कर दो, 9 7 16 6 1 4 2 6 1 7 576 हो जाएगा, 529 इज द रूट एक्स बटा तेई। देखो 576 का रूट कितना होता 24, 529 का रूट तेई, एक्स बटा तेई, तेई नाल तेई कट गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 24। बेसिक कैलकुलेशन और कुछ नहीं, उरे एक माइनस 33 बटा 289 इक्वल टू वाई बटा 17। देखो 289 इधर चल जाएगा, माइनस 33 बटा 289 इज द रूट वाई बटा 17। इस तो 33 माइनस कर दो, 9 4 3 6 5 256 बटा 289 वाई बटा 17। देखो 256 का रूट कितना होएगा 16, 289 दा 17 इक्वल टू वाई बटा 17, 17 नाल 17 कट गया, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 16। पता की करना है एक्स माइनस वाई, 24 माइनस 16 एक्स प्लस वाई, 24 प्लस 16 ए होएगा 8, ए होएगा 40, 8 बटा 40 1 बटा 5, 1 बटा 5 ऑप्शन सी। बेसिक कैलकुलेशन हैगी है, जो थोड़ा रूट्स नहीं याद तो रूट याद कर लो। एक देखो कुछ चीज़ा है ने वो याद कर लो, जिंदगी ना फायदे में रहेगी। किमें एक तो लेके 20 तक के टेबल, एक तो लेके 30 तक के स्क्वायर, एक तो लेके 20 तक के क्यूब, ये तीन चीज़ा याद कर लो, कैलकुलेशन ऑटोमैटिकली इनक्रीज़ हो जाएगी थोड़ी, ठीक है। नहीं करने फिर पछताओगे, लॉस होएगा और कुछ नहीं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। 13th देखो हूँ ना, दो क्वेश्चन जोड़े है बॉड मास दे आ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत वधिया क्वेश्चन है, उरे है 225 की पावर 4 गुना 45 डिवाइड बाय 15 की पावर 9, तो मैं उरे लिखता डिवाइड बाय 15 की पावर 9 प्लस 144 का स्क्वायर गुना 36 डिवाइड बाय 12 की पावर 5 गुना 2 इवें है, ठीक है। इक्वल टू एक्स माइनस 3, तो आपने एक्स की वैल्यू कटनी है, ठीक है। हम देखो ये केस में करना की है, लॉजिक की है, पॉइंट की बनता है, 225 की होंगे। देखो उरे 15 का मल्टीपल है, ये भी 15 का मल्टीपल है, उरे तो 15 का मल्टीपल है ही, ये 12 का मल्टीपल है, ये भी 12 का मल्टीपल है, थले भी 12 है। आपने डिनोमीनेटर खत्म करना है, आपका काम की है डिनोमीनेटर खत्म करना। डिनोमीनेटर किमें खत्म होगा, 225 की होंगे, 15 का स्क्वायर पावर कि 4, 45 की लिखता 15 गुना 3 थले की है 15 की पावर 9 प्लस 144 की होंगे 12 का स्क्वायर पावर कि 2, 36 की होएगा 12 गुना 3 2 गुना एक्स्ट्रा विच है उरे कि आएगा 12 की पावर 5 इक्वल टू एक्स माइनस 3। देखो उरे 15 का स्क्वायर बाहर कि 4, जो आप ब्रैकेट ओपन करेंगे 4 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 दो नहीं 8, 15 की पावर 8, उरे 15 की पावर कि 1, 15 की पावर 9 प्लस उरे आ जाएगा 12 का स्क्वायर, स्क्वायर 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, 12 की पावर 1, 1 की पावर कानू लिखता मैं गुना 3 गुना 2 बटा 12 की पावर 5 इक्वल टू एक्स माइनस 3, ठीक है। हूँ देखो उरे कि 15 की पावर 8, 15 की पावर 1, 15 की पावर 8 का मतलब 15 कितनी बार होएगा 8 बार गुना 15, 15 कितनी बार हैगा 1 बार। जे बेस सेम होवे ते मल्टीप्लाई का साइन होवे पावर ऐड हो जाती है, एक कॉमन सेंस हैगी है, जे तू नहीं पता तो देख लो। जे ए दी पावर एक्स होवे गुना ए दी पावर वाई, बेस मेरा सेम हैगा, पावर की हो जाएगा ऐड हो जाएगा, ए दी पावर एक्स प्लस वाई बन जाएगा। बेस सेम होवे ते मल्टीप्लाई का साइन होवे पावर ऐड हो जाती हैगी है, ठीक है। तो आप की करांगे, इसको 15 की पावर 8 हैगी है, इसको मैंने 8 जमा 1 15 की पावर 9 गुना 3 बटा 15 की पावर 9 प्लस 12 की पावर 4 जमा 1 5 3 दूनी 6 12 की पावर 5 इक्वल टू एक्स माइनस 3। बस हूँ कुछ नहीं, आप कटिंग करते 15 की पावर 9 वाले खच खच 3 जमा 6 इक्वल टू एक्स माइनस 3, 6 3 9 9 3 इधर जाके प्लस 9 3 12 बी आ जाएगा एक्स की वैल्यू बी, ठीक है। नथिंग एल्स, जस्ट पावर नू थोनू स्प्लिट करना सीगा ते ये देखना सीगा कि किवें होएगा, ठीक है। एक घंटे की वीडियो होगी, चलो कोई नहीं फटाफट फिनिश करते हैं, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो सारे कहते बॉड मास बॉड मास बॉड मास, बॉड मास नहीं होंदा, वी बॉड मास होंदा। वी का मतलब होंदा विनी कुलम, विनी
कूलम, बी का होएगा ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, ऑफ नू आप मल्टीप्लाई कहते हैं, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सबट्रैक्शन। ये ऑर्डर होंगे सॉल्व करने का, बॉड मास नहीं होंगे, वी बॉड मास होंगे। जे अगे तो थोड़े सामने कोई कहे कि बॉड मास है लगाओ तो तुम कहोगे नहीं बॉड मास नहीं लगावे, आप वी बॉड मास लगाते हैं, ठीक है। तो कर लेना, विनीकुलम का मतलब की होंगे बार, जे इवें लिखा हो तीन गुना दो प्लस एक का बार, तो आप इवें सोल्व नहीं करना कि तीन नू दो नाल मल्टीप्लाई कर दो छे छे जमा एक सत्त, वो गलत आंसर होएगा। पहला आप इस नू सोल्व करांगे, ये बार का मतलब ही विनीकुलम होंदा हैगा, तो पहला ये सोल्व होएगा दो जमा एक तीन, तीन गुना तीन नौ, ये होएगा अपना सही आंसर। मतलब पहला बार सोल्व होएगी उस तो बाद अगे सोल्व होएगा, ठीक है। तो याद रखना विनीकुलम होएगा, बॉड मास नहीं होता, वी बॉड मास होंगे। तो यह क्वेश्चन हैगा अपने को 36 डिवाइड बाय वड्डी ब्रैकेट एक बटा नौ ऑफ 19 जमा 11 माइनस 9 प्लस 7 माइनस 7 जमा 6 इक्वल टू पी प्लस 21 डिवाइड बाय 7 गुना 2 बटा 2, ठीक है। तो सब तो पहला तो ये ब्रैकेट सोल्व होगी, 7 जमा 6 13, तो क्या मैं इस चीज़ को 13 लिख सकता, उन्नी प्लस 11 माइनस 9 जमा 7 माइनस 13 13 लिख लिया। उरे पी प्लस 21 डिवाइड बाय 7 गुना 2 माइनस 2, ठीक है। चलो हुण अगे सॉल्व करते हैं, उरे आएगा 36 डिवाइड बाय, देखो 9 जमा 7 कितना होएगा 16, 16 तो 13 माइनस कर दो, बॉड मास लगाओगे 9 जमा 7, पहला ब्रैकेट ही सॉल्व होएगी। अंदर वाली ब्रैकेट कड़ी है, ए इनर ब्रैकेट सब तो पहला सॉल्व होती है, जे ब्रैक इनर जी ब्रैकेट सब तो अंदर होएगी वो सब तो पहला सॉल्व होएगी, 9 जमा 7 16, 16 माइनस 13 3, तो उरे आ जाएगा 19 जमा 11 माइनस 3 इक्व टू पी, ये तीन ते कट जाएगा, 3 दूनी 6 6 माइनस 2, ठीक है। 36 डिवाइड बाय 1 बटा 9 ऑफ द, देखो 19 जमा 11 होएगा 30, 30 विचों 3 माइनस कर दो 27, ऑफ 27 छः चो दो माइनस करो 4, ऑफ का मतलब की होएगा मल्टीप्लाई, 36 डिवाइड बाय 1 बटा 9 गुना 27 पी प्लस 4, ये तीन ते कट जाएगा, तो उरे अपनी इक्वेशन बन गई 36 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू पी जमा 4, 36 नू 3 नाल डिवाइड करो, बच्चे बच्चे नू पता 12 होंदा पी जमा 4, पी की वैल्यू आएगी 12 माइनस 4 8, ऑप्शन ए, ठीक है। ये बस वड्डी गल सीगी, वड्डी गल नहीं इंपॉर्टेंट गल सी, पहला वी सॉल्व होएगा, वी नीगुलम सॉल्व होएगा, ठीक है। वी बॉड मास होंगे, बॉड मास नहीं होएगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, वधिया क्वेश्चन सीगा सिंपलीफिकेशन का। लास्ट क्वेश्चन तो चलते हैं अज दे, उस तो बाद पार्ट टू तो मिलेंगे आप, ठीक है। पॉइंट 16 गुना पॉइंट 0654, तो देखो 16 उरे पॉइंट तो बाद किन्ने डिजिट ने 3, उरे पॉइंट तो बाद किन्ने डिजिट ने 4, तो क्या मैं इसनों इवें लिख सकता 16 बटा 1000, ठीक है, गुना 654 बटा की किन्ने जीरो आएंगे 4 जीरो आएंगे ना, हाँ ठीक है क्लियर। तो उरे आ जाएगा 16 गुना 654, ठीक है, 3 जीरो ने उरे 4 जीरो ने, तो टोटल किन्ने जीरो हो जाएंगे 7, देखो 3 जीरो ने 4 जीरो ने, तो अपने को किन्ने जीरो आ जाएंगे 7, 3 4 5 6 7 7 हो गए, 8 हो गए यार, एक ज़्यादा हो गया, 3 3, हाँ ठीक है। 16 नू 654 नाल, देखो इस क्वेश्चन को करन दा ना कोई शॉर्टकट नहीं है, मजबूरी हैगी है, ठीक है। 16 दा टेबल आना, अगेन उही उही गल होगी ना, एक तो लेके 20 तक दे टेबल, एक तो लेके 30 तक दे स्क्वायर, एक तो लेके 20 तक दे क्यूब, याद कर लो। 16 चौका 64, 4 6 कैरी, 16 5 80, 80 च 6 86, 8 कैरी, 16 6 96, 96 ते 8 किन्ना होएगा 104, 104 बटा नीचे आएगी 7 जीरो, ठीक है 7 जीरो। इन्होंने की लिखा 1.064, यानी पॉइंट तो बाद किन्ने डिजिट ने 4, देखो जे मैं उरे एक पॉइंट तो बाद किन्ने डिजिट ने 1 2 3 4, तो किन्ने जीरो नाल कटेगा 4 जीरो नाल, तो उरे तुसी इसनों ना स्प्लिट कर लो,
नीचे 4-0 लग लिख लो जिमें पहला ही सीगा। ठीक है, हुन इसनू 4-0 नाल डिवाइड करूँगा, ये आएगा 1.0464। उरे 1000 हैगा, ठीक है, 1000 डिनोमिनेटर से उपर जाके कि आ जाएगा, 1000 विच किन्नी जीरो आते हैं, 3, तो उपर जाके की हो जाएगा 10^-3 आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। तुसी ये देख लो पॉइंट तो बाद किन्ने डिजिट ने, पॉइंट तो बाद 1, 2, 3, 4, 0 सीगे, तो पॉइंट तो बाद मैनू 1 तो बाद पॉइंट लगाना हैगा, तो 4 डिजिट चाहिए ने, मतलब उपर 4 डिजिट ने, नीचे 4 0 नाल कट जाएगा, 3 0 बचेगी, 3 0 मतलब 10^3, उपर जाके पावर माइनस हो जाएगी, क्लीयर, तो ऑप्शन सी आ जाएगा अपना। ठीक है, छोटी जी गल हैगी है, इन्नी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए है, 10th लैवल का बच्चा भी कर लेगा ये, तो ये 8th क्लास स्टैंडर्ड का है पूरी। ठीक है, और कुछ बस मल्टीप्लाई करना, पावर उपर लेके जानी है। ठीक है, तो आई होप सो थानू स्क्रीनशॉट ले लेना, पार्ट 1 समझ आ गया होना, ठीक है, कुछ नवा सीखने को मिलया होना। ठीक है, सब तो वधिया क्वेश्चन मैंने वो वाला लग्या सीगा जिहड़ा एक्स की वैल्यू 4 ते वाई की वैल्यू 60 आ रही सीगी। ठीक है, इस दे पार्ट 2 विच मिलांगे जिहदे विच बचे हुए 15 क्वेश्चन आपां डिस्कस करांगे। ठीक है क्लास, थैंक यू सो मच।